सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जींद शहर के इतिहास के अंदर एक नया अध्याय हमने लिखने का काम किया है। आज से हमने एक नई शुरुआत की है। ये एक जो जनरल सीट है और जिसके ऊपर एक दलित महिला होते हुए इन्होंने आज नामांकन किया है, ये बाबा साहब की जो है एक कृपया का फल है, जो आज हम इस जींद शहर की विधानसभा सीट से निर्दलीय के तौर पे एक नामांकन कर पाए हैं। जो ये बाबा साहब की कृपया है जिन्होंने आज हमें ताकत दी है कि भाई हम आज एक इस शहर के अंदर अपने नाम का नामांकन भर के अपना हाजिरी दर्ज करवा पाए हैं। तो मैं सभी वोटर से, सभी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे चाहते हैं, जो शुभचिंतक हैं, उन सभी से अपील करता हूं कि वे इस लड़ाई के अंदर, इस मान सम्मान और हक अधिकार की लड़ाई के अंदर अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बहन भाई को एक साथी बनकर के हमारा साथ दें, सारथी बनकर के हमारा मार्गदर्शन करें और इस लड़ाई को जीतने में हमारा योगदान करें। बड़े बड़े लीडर्स जींद की धरती पर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से बड़े बड़े जो नेता हैं वो आज रोडों पे पैदल चल करके अपने जो फजीहत करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि भाई इतने ऊंचे पद पर जाकर के एक छोटे से कस्बे के अंदर आकर के इस प्रकार से भीख मांगनी पड़ रही है उनको, इतने बड़े नेता के लिए जो पिछले 20 साल से यहाँ पे प्रयास रहता है, अगर उसको समय पर रहते उसने अगर अपनी ड्यूटी निभाई होती, अपना जो कर्तव्य है वो निभाया होता, जो जिम्मेवारी जनता ने उसको सौंपी थी अगर वो समय पर निभाई होती तो आज इतने बड़े बड़े नेताओं को रोडों पर धक्के खाने की नौबत नहीं आती। जींद के अंदर जातीय समीकरण देखा जाए तो दलित वोट बैंक भी अच्छा खासा है यहाँ पर। देखिए, जातीय समीकरण अलग चीज है, लेकिन जिस प्रकार से जनता ने अपना सहयोग और आशीर्वाद दे करके अपना जो आशीर्वाद दिया है, हम उसके कर्तव्य हैं और इसी प्रकार से जनता अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी अपील भी हम करते हैं। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनके अंदर अपना जो मत है उसका सदुपयोग करें, किसी भी लोभ लालच और शराब के बहकावे में या किसी अन्य लोभ लालच में आकर के अपने मत को खराब ना करें। ये आपके बच्चों के जो भविष्य की अमानत है, इसको इस प्रकार से जाया ना करें, नहीं तो आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से अब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसी प्रकार से हमें बिरान माटी का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि वे एक नया इतिहास जींद की धरती से लिखा जाए, जिससे कि एक नई ऊर्जा हमारे हरियाणा की जनता को मिले और आने वाले समय के अंदर आप देखना कि आम आदमी जो है वो निकल करके विधानसभा चुनाव के लिए अपने आपको आगे लेके आएंगे। और ये जो एक संदेश है जींद शहर से हमारे पूरे हरियाणा की जनता को कि भाई हम प्रयासरत हैं, प्रयासरत थे और प्रयासरत रहेंगे, हमें जो है जनता को जागृत करने के लिए तन मन धन और जो कुछ भी हम कुर्बान कर देंगे, अपना जो जीवन है वो पूरा का पूरा बलिदान कर देंगे, लेकिन इस जींद शहर से हम एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। अंदर मुद्दों की कमी नहीं है, आज कदम कदम पर मुद्दे बैठे हुए हैं, चाहे आप रोड के जब पहला कदम घर से निकालते हो तो मुद्दे शुरू हो जाते हैं, आप चाहे गलियों की बात करो, सीवरेज की बात करो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात करो, स्ट्रीट लाइटों की बात करो, जो आम गरीब जनता है उसके लिए बेरोजगारी की बात करो, आज आप देखोगे कि किस प्रकार से जो जनता है वो दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर हुई पड़ी है। इन्होंने जनता का जो है बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है। आज हर आदमी के हाथ में थैला है, उनके आज तक 5 साल के अंदर कागज ही पूरे नहीं हो पाए हैं। और उसके अलावा जो है सबसे जो बड़ी नेमत है, शिक्षा का जो एक सत्र हमारे शहर के अंदर बिल्कुल गिरता जा रहा है, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक हमारे बच्चों को पैदल जाना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ें, ताकि भाई वो आगे आने वाले समय के अंदर जब पढ़ेंगे तो वो जनता जो सरकार से सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज इसी प्रकार से जो है ना पिछलग्गू बन जाएंगे। मैं हमारे कुछ साथी हैं, आज भी हम देख पा रहे हैं कि भाई गुलामी की जो जंजीरों से वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाए हैं, आज भी उनकी जो सोच है वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। मैं उनसे भी, साथियों से भी चलो धन्यवाद भी करता हूं उनका कि भाई चलो दिखाने के लिए तो कम से कम वो साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं धिक्कारता भी हूँ ऐसे साथियों को जो साथ होने का नौटंकी करते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। जनरल सीट पे आपने फार्म भरा है, चुनाव लड़ रहे हो, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही है, हमारी जो हरियाणा की जनता है, जो हमारा दलित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो हमारे अनुसूचित जाति के और पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मैं उनसे भी साथियों से, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, मैं सभी साथियों के हित के लिए काम करना चाहता हूं और उन सभी साथियों से अपील करता हूं कि भाई अपने आप को एकजुट करो। बाबा साहब ने हमारे को 3 सूत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज आप लोगों को संगठित होने का जो है समय है, आप लोगों को संगठित होकर के कहीं ना कहीं एक नए संघर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। गाँव में आप काफी मेहनत कर रहे हो, हर गाँव में, हर गली मोहल्ले में, वार्ड में गए, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको? आप देख पा रहे हो कि हमारे पास में कोई पेड़ जनता नहीं है, जितने भी साथी हैं सारे के सारे अपने बिल्कुल पसीने से जो
पसीने के साथ में हमारा साथ देने के लिए आए हैं, ना ही हमारे पास में पैसे हैं बाने के लिए, ना हमारे पास में जो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए झूठे वादे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ में जनता के बीच में गए हैं और जनता ने अपना हमें ईमानदारी के साथ में अपना साथ दिया है और इसी प्रकार से ये साथ